कुछ फिल्में वास्तविक घटनाओं को जस का तस प्रस्तुत करती है, कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती है जिसके आधार पर काल्पनिक कथा गढ़ी जाती है। द गाजी अटैक इसी तरह की फिल्म है। फिल्म के आरंभ में ही बता दिया गया है कि यह कहानी सच्ची नहीं है। इसे नौसेना का क्लासिफाइड मिशन कहा गया जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के ठीक पहले पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी भारतीय जल सीमा में घुसी जिसके इरादे नेक नहीं थे। वे विशाखापत्तनम पर हमला और भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत को नष्ट करना चाहते थे। भारतीय पनडुब्बी S-21 में कैप्टन रणविजय सिंह, अर्जुन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवराज हैं। इन्हें पता चलता है कि पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी समुन्दर में है। गाजी में सवार लोग भी भाग जाते हैं कि S-21 को पता चल गया है। इसके बाद माइंड गेम शुरू होता है। एक दूसरे को समुन्दर के अंदर चकमे दिए जाते हैं, एक दूसरे को फांसने के लिए जाल बिछाए जाते हैं। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन का जिम्मा संकल्प रेड्डी ने उठाया है। संकल्प की कहानी में कुछ बातें गैर जरूरी और मिसफिट लगती हैं। रणविजय को आक्रामक बताया गया है तो अर्जुन हमेशा नियम से चलता है। इसको लेकर दोनों में टकराव होता है और इस टकराव की ड्रामे में ठीक से जगह नहीं बनाई गई है। इसी तरह तापसी पन्नू का किरदार क्यों रखा गया है समस्या पर है। क्या केवल फिल्म में एक हीरोइन होनी चाहिए इसीलिए तापसी को रखा गया है? उनके किरदार को फिल्म से हटा भी दिया जाए तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से तापसी को महज दर्शक बना दिया गया है। इन दोनों ट्रैक्स से फिल्म कई बार ठहरी हुई प्रतीत होती है। जनगण मन का बार बार प्रयोग ठीक नहीं कहा जा सकता है। केवल देशभक्ति की लहर पैदा करने के लिए यह किया गया है। निर्देशक के रूप में संकल्प की यह पहली फिल्म है। उनके प्रयास की सराहना की जा सकती है। फिल्म में रुचि इसलिए बनी रहती है कि भारत में इससे पहले इस तरह की फिल्म नहीं बनी है। पनडुब्बी के बारे में कई जानकारियां पता चलती है। तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है लेकिन दर्शकों को समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। फिल्म में मनोरंजन और थ्रिल का ग्राफ पनडुब्बी की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। सही मायने में कहा जाए तो अंतिम आधे घंटे में ही फिल्म में रोमांच पैदा होता है जब भारतीय और पाकिस्तानी पनडुब्बी आमने सामने होती है और हमले में तेजी आती है। के मेनन एक काबिल अभिनेता हैं, लेकिन रणविजय के रूप में वे प्रभावित नहीं करते। उनके किरदार की आक्रामकता अभिनय में नहीं झलकती। राणा दग्गुबाती और अतुल कुलकर्णी का अभिनय प्रभावी है। तनाव और दबाव को अपने अभिनय के जरिए वे व्यक्त करते हैं। ओम पुरी और नासिर संक्षिप्त भूमिकाओं में दिखाई दिए। तापसी पन्नू को निर्देशक ने बर्बाद किया है। द गाजी अटैक में निशाना पूरी तरह से टारगेट पर नहीं लगा है, लेकिन अनोखे अनुभव के लिए इसे एक बार देखा जा सकता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।